हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रूट केक की रेसिपी। तो चलो जल्दी से ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और इसके अंदर 200 ग्राम मैंने बटर डाला है। बटर आप रूम टेम्परेचर का ही लें। इसके बाद एक बीटर की मदद से मैं इसे बीट कर ले रही हूँ ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। और जैसे ही आप देखेंगे कि बटर आपका सॉफ्ट हो गया है, इसके बाद मैं इसमें आधा कप जैसा चीनी डालूँगी और साथ में 2 अंडे इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं और अंडा नहीं डालना चाहते हैं तो आप मिल्क भी इसके अंदर डाल के इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो पहले मैं 2 अंडे डाल रही हूँ, इसके बाद मैं अच्छे से एक बार बीट कर लूँगी ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इस क्रिसमस में आप ज़रूर इस तरह का फ्रूट केक ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद 2 और अंडे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इस रेसिपी में हमने 4 अंडों का इस्तेमाल किया है और हम इसे तब तक बीट करेंगे जब तक कि शुगर अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व ना हो जाए। हल्का सा जो बैटर है ना हमारा केक का, वो हल्का सा फ्रॉथी फोमी जैसा हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये रेडी है। अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट लेता है और एयरी बैटर लगता है फॉर्म में, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका जो बैटर है वो अच्छे से बीट हो चुका है। इसके बाद हम एक छोटा सा मिक्सिंग बोल लेंगे। इसके अंदर मैंने 100 ग्राम टूटी फ्रूटी लिया है और 1 चम्मच मैं इसके अंदर मैदा डाल रही हूँ। और जिस तरह से मैं एक चम्मच के हेल्प से मिक्स कर ले रही हूँ, वैसे ही आप भी इसे एक बार मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हम बैटर के पास जाएंगे और इसके अंदर 1.5 कप हम मैदा डालेंगे, साथ में 1 बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर और साथ में हल्का सा सॉल्ट। और अब हम इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। जैसे कि देख सकते हैं धीरे धीरे मैं फोल्ड कर रही हूँ। हमें बहुत ही विग्रेसली जो मिक्स होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं करना है, हल्का हल्का जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ उस तरह से ही आप इसे फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखेगा। और इसके बाद जो टूटी फ्रूटी है जो जिसमें हमने मैदा डाल के तैयार किया था, उसे हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसे भी हमें फोल्ड ही करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। तो इस तरह का स्पैचुला इजीली मार्केट में मिल जाता है, उसी के हेल्प से आप कर ले, या आपके पास स्पून है तो आप स्पून से भी इसे कर सकते हैं। थोड़ा फ्लैट सर्फेस यूज़ करें ताकि फोल्डिंग अच्छे से हो। और हमारा बैटर ऑलमोस्ट अब रेडी है। इसके अंदर मैंने बस 1 चम्मच बड़ा हनी डाला है। आप चाहें तो हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है, इसी की वजह से मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है और मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस क्रिसमस में आप ज़रूर इसे ट्राई करें, कुछ नया आपको खाने को मिलेगा और बहुत इजीली बन जाता है। अंडा अगर आप नहीं डालते हैं तो आप इसके अंदर मिल्क डाल सकते हैं और मिल्क की क्वांटिटी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप अंडे को। अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो मैंने एक जो केक का मोल्ड होता है उसे ले लिया है। बेसिकली फ्रूट केक का जो लंबा सा मोल्ड होता है वो है मेरे पास। आप चाहें तो आप गोल शेप का भी इसे बना सकते हैं, जैसे नॉर्मल केक है वैसे ही। इसके बाद इसके अंदर जैसे कि देख सकते हैं एक बटर पेपर मैंने लगा दिया। बटर पेपर इसलिए डाला है ताकि ईजिली ये निकल जाए, इसी की वजह से। अगर आपके पास नहीं है तो हल्का अच्छे से आप ग्रीस भी कर सकते हैं मोल्ड को, और इसके अंदर ये जो बैटर है ना इसे आप अच्छे से डाल सकते हैं। तो मैं बस इसके अंदर पोर कर ले रही हूँ। थोड़ा सा थिक है बैटर तो थोड़ा सा आपको स्क्रेप करके भी डालना पड़ेगा। और जैसे ही हमने बैटर डाल दिया इसके अंदर, और अब हम हल्का सा इसे टैप कर लेंगे ताकि अगर कुछ एयर बबल है वो निकल जाए। और इसके बाद मैं इसे बेक करने के लिए डाल दूंगी ओटीजी में। तो मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 से 40 मिनट तक इसे डाला है। तो 30 मिनट के बाद आप चेक करते रहें कि आपका जो केक है वो बन गया है कि नहीं बन गया है। टेम्परेचर सेम रहेगा पर टाइम जो है ना वो थोड़ा सा वेरी हो सकता है इसी की वजह से। और जैसे कि देख सकते हैं ये जो फ्रूट केक है बिल्कुल भी रेडी है। बटर पेपर लगाया था इसीलिए इजीली ये निकल गया है, कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अगर आप चाहें तो ऊपर का लेयर हटा सकते हैं। और ऐसे भी ये काफ़ी सुंदर लगता है, हल्का सा कभी कभार ये फट भी जाता है। पर आप देखिएगा किस तरह से मैं कट करके इसे दिखाऊँगी। किसी भी नॉर्मल आपको जो बाज़ार में फ्रूट केक मिलता है बिल्कुल उसी तरह ये बना
बना हुआ है। ब्राउन का भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लेयर इसके अंदर आया है, और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगा था और हमने इस क्रिसमस में कुछ इसे बनाने का सोचा है। तो आई होप आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी आप सबको। इसी तरह का अगर आप वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और जैसे कि देख सकते हैं मैं आसानी से इसे एक काट ले रही हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं काटने के बाद जैसे आपको फ्रूट ब्रेड मिलता है बाज़ार में, बिल्कुल उसी की तरह से आपको ये मिलेगा। तो आई होप आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो मेरी क्रिसमस टू एवरीवन एंड एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।